हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के मूड फ्रेश करने के लिए हम मैथ में कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पहले हमने कोचिंग में इसको कई साल पहले पढ़ाया भी है और बहुत बच्चे इम्प्रेस हुए थे, खुश हुए थे, तो हमने सोचा कि कुछ ट्रिक आप लोगों को बताएं। और ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले आप देख लें। इसमें मसलन ये 99 × जो भी आपके दिमाग में डिजिट चल रहा हो, मसलन 4-5 लिख दें। नंबर 2 999 लिख दिया, आपको जी चाहा कोई एक डिजिट लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। नंबर 3 में लिख दिया, मान लीजिए आपको 9 इधर लिखना है, जितना जी चाहे लिख सकते हैं, 9 × रखते हैं 7, 4, 3, कुछ भी आप लिख दें इक्वल। आपके दिमाग में जो चल रहा हो 9 के बाद आप लिख सकते हैं। इसको बनाने में ट्रिक ये है कि ये आपको 45 है, ये है 99 यानी 99, ये 999 999, और ये है 9,99,999। इसमें 45, 32, 743 और भी बड़ा से बड़ा आप डिजिट रख सकते हैं जो मल्टीप्लाई आपको करना हो। इसमें आप देखें, ये है 99 और ये है 45, कुछ भी इधर है पहले इसी से मतलब है। ये 45 है, इसमें से आप 1 लेस कर देंगे यानी 1 कम कर देंगे और आपको लिख देना है 44 यानी 44। इसके बाद चूंकि इधर 99 है, आप इसमें सोच सकते हैं कि इसमें से घटा के लिख देना है। मसलन यहां रख दिया 44, तो 55 घट के आएगा, हम 55 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। सोच भी लेंगे, इधर रखने की जरूरत नहीं है दिली दिल में कि जब 45 है, 1 कम कर दिया हमने, इसमें से 44 यानी 44 हो गया, तो 9 में से 4 गया 5। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह है, 999 है, यहाँ ट्रिपल डिजिट भी रह सकता है कोई भी, 3 डिजिट हम लोग 3 डिजिट दे सकते हैं, पर इसको अलग दिया गया है ताकि बनाने के लिए हर टेक्निक आप जान लें। ये 32 है, आप समझ गए हैं यहाँ सबसे पहले क्या होगा, तो 31 होगा, 1 लेस करके लिखना है हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोगों को इसमें से घटाना है, तो ये 9 तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना। अगर हम कहीं अलग लिख करके आपको समझाने के लिए बताएं कि इसको हमको घटाना है, तो ये 1 9 तो बच गया, इस 9 को हम लोग पहले यहां लिख देंगे। इसके बाद से अब इसमें से घटाएंगे हम लोग, तो 9 में से 3 घटाएंगे, 6 हो गया 6, और फिर 9 में से 1 लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि जब ये 2 डिजिट है, इधर 3 है, तो 1 इसमें से जो है 9 उसको पहले लिख दिया, अब ये जो है 6 और 8 यहां पर लिखना है 99 में से लेस करने के बाद। फिर इसके बाद देखिए, इसको ये है 743, जितना भी डिजिट है 9 उतना में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या करना है, 743 की जगह क्या लिखेंगे, 742,
तो लिखेंगे हम लोग 742। अब इस 742 को 3 डिजिट के नीचे से हम लोग घटाएंगे तो ये 3 जो 999 है ये एक्स्ट्रा हो रहा है। इस 999 को पहले हम लोग लिख देंगे 999। अब ये जो बचा आप खुद ही सोचिए, जोड़ दे तो पता चल जाएगा, घटाएंगे तो होगा ना, 9 में से 7 गया 2। चलिए ऐसे करते हैं, 7 2 9 4 5 9 घटाएंगे भी तो यही आएगा और 2 7 9। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर अभी भी आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा और एक आध समझ लें आप। इसके बनाने का और भी एक ट्रिक है लेकिन हम एक बार में एक ही बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से सीख सकें। मसलन ऐसे लिख दिया गया, किसी को आप बोले एक दफे में कि इसको आप बिना मल्टीप्लाई किए हुए एक मरतबा में आंसर लिखे तो आदमी परेशान हो जाएगा कि कैसे होगा। ये मल्टीप्लाई के लिए आपको दे दिया गया, अब आप सोचेंगे किसी को देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ट्रिक पता है। 49 है तो 48 लिख देंगे हम। अब 48 लिखने के बाद ये 39 जो है 999 एक्स्ट्रा है, यानी 3 9 इसमें ज्यादा है, ये है 2 और ये है 2, तो ये 3 9 को पहले हम लोग लिख देंगे। इसके बाद बच गया ये 99 यानी 99। आप खुद ही सोचें, 4 5 9 और 9 में तो कुछ, 9 में से 9 गया 0, ऐसे भी घटा सकते हैं, 9 में से 4 गया 5 और फिर 9 में से 9 गया 0। कहीं पे इसमें गड़बड़ हो रहा है, अभी हम ठीक करते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ कहीं से एक गड़बड़ हो गया था, नहीं हम बोल रहे हैं 49 है तो लेस करेंगे एक, इसमें हो जाएगा 48। ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कहाँ हमने गड़बड़ किया। इसी तरह से अगर से कोई और गलती होगी तो आप ट्रिक जान चुके हैं, आप बताइएगा, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ रखिए, दोबारा फिर हो तो आप तुरंत पकड़ लें। ये हो गया 48, तो ये 48 है, 2 ये 99 छोड़ के ये 999 को हमको यहाँ पर लिख देना है, 999 लिख दिए। अब आपको ये 99 में से 48 घटाना है, ठीक है, ऐसा नहीं 49 घटा दें, इधर आ जाए, एक कम जो है उसमें घटाना है। तो ये 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आसानी से आप इस मैथ को, ऐसे मैथ को बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक आप अपने घर में इस तरह का बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए लिखें और लिख के बनाएं और बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड करें, हमें बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।